फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिना गैस बिना ऑयल के मिर्च का अचार लेके आई हूँ। ये तीन तरह के मिर्च का अचार है। तीनों तरह का मिर्च का अचार बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं आप लोगों को ये मिर्च का अचार कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो आइए मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे इन हरी मिर्च से तीन टाइप की मिर्च के अचार, जिन्हें आप 5-6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। और एक और बात, इन हरी मिर्च के अचार के लिए हमने लिए थोड़ी मोटी मिर्च, एकदम पतली वाली मिर्च नहीं। इससे ये अचार बहुत टेस्टी बन के आता है, थोड़ी जो मोटी होती है। तो सबसे पहले टाइप के हम बनाने वाले हैं नींबू मसालेदार अचार। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक एक करके हरी मिर्च लेते हैं, इसके दो पार्ट करते हैं। अगर जैसे ये हमारी हरी मिर्च लंबी लंबी बड़ी बड़ी हैं और बीच में से इसे चीरते हुए हम खोल लेते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने सारी हरी मिर्च को इस तरीके से खोल खोल के रख लिया है। अब हम एक प्लेट लेते हैं, इसमें हम इसका जो मसाला है वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सॉफ्ट पाउडर डालते हैं, लगभग 3-4 स्पून सॉफ्ट पाउडर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पाउडर का इसमें अच्छा, सबसे अच्छा फ्लेवर रहता है, सबसे ज़्यादा हम वही लेते हैं। फिर हम इसमें धनिया पाउडर लेते हैं, वो हमने 2 स्पून लिए है लगभग। इसके बाद हमने एक पिंच 1/4 स्पून हल्दी पाउडर उस बस कलर के लिए ले लेते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक लगभग 3/4 स्पून हमने ये नमक ले लिया है इसमें। और इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये चारों चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम अपना मेन इंग्रेडिएंट जो है नींबू, वो डालते हैं। पहले हम पूरे एक नींबू का रस इसमें डालते हैं, जिसे हम स्पून में इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो बीज वगैरह है वो निकल जाए, रस भी हम चारों तरफ अच्छे से फैला सके, एक ही जगह ना रहे वो। बीज हटा देते हैं हम इसके। एक नींबू का रस हम पूरा डालते हैं पहले, फिर हम एक नींबू के रस डालने के बाद देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी कि अभी नींबू कम है, मतलब कि अभी हमारी कंसिस्टेंसी उस हिसाब से सही नहीं है, तो हम और डालेंगे। ये अभी हमारा ये हम दूसरा पार्ट डाल देते हैं उसका, हम मिक्स करते हैं। जैसे अभी हमें हल्का सा नींबू कम लग रहा है, क्योंकि हमारी जैसे नींबू मसालेदार मिर्च है उसमें ही नींबू की कंसिस्टेंसी कम रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो हम आधा नींबू उसमें और डाल देंगे। और आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं, बट अभी हमें कम लग रहा है तो हमने और डाल दिया। तो 1.5 नींबू हमारा इसमें लग जाता है इस पूरे मसाले को तैयार करने में। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस टाइप से हमारा ये मसालेदार बिल्कुल तैयार हो गया मिर्च का मसाला। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक बर्नी ले ली हमने, जिसमें हमें ये मिर्च का अचार स्टोर करके रखना है। और फिर एक एक करके मिर्च लेते हैं, इसमें इस मसाले को अच्छी तरीके से फिल कर लेते हैं, पूरा ऊपर तक फिल करते जाते हैं और फिर उस बर्नी में डालते जाते हैं। सारे मसाला इसी तरीके से हम इसमें डाल देते हैं और बर्नी में रखते जाते हैं। सारी मिर्च हम इसी तरीके से तैयार कर रहे थे। अगर इसके अंदर कुछ ज़्यादा मोटा बीज हो मिर्ची अंदर, तो वो हटा भी सकते हैं। ये देखिए, ये बचा हुआ मसाला भी आप इसी बर्नी में डाल दीजिए, जब भी आपका मन हो, नहीं डालना तो रहने दे सकते हैं। और आधा नींबू का रस हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे, ताकि इसमें ये जो है टेस्ट जो है नींबू में, मिर्च में जो नींबू नहीं पहुंचा हमारा, वो भी अच्छी तरीके से पहुंच जाए और ये खान जब भी आप लें तो बहुत अच्छा लगे। आधा से एक नींबू का रस हम इसमें ऊपर से भी डाल देते हैं और फिर इसे बंद करते हुए हम स्टोर करते हैं। मतलब इसे मसाला भी अब देखिए हमने इसमें डाल दिया है, और बंद करते हुए इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए। 4-5 से 6 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपका मन करे खाने का, इसे इस तरीके से आप हिलाइए और फिर इसे यूज़ में लीजिए। देखिए, हमारा इसे बंद करके रख दिया है और फिर इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे तो देखिए सारा मसाला भी मिक्स हो जाता है और यूज़ में लेते हैं। अब हम दूसरी टाइप की मिर्च बनाएंगे। इसके लिए हमने एक बर्नी ली है और इस बर्नी में हम इसके पीसेस कट करते हुए डालते जाते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं और एकदम बड़े पीसेस भी, नॉर्मल पीसेस हम कट करके डालते जाते हैं। अभी ये हम सिंपल नींबू की मिर्च बना के तैयार कर रहे हैं। इस टाइप से हमने बड़े बड़े पीसेस कट करके तैयार कर लिए, और आप छोटे करना चाहते हो तो छोटे कर सकते हैं। इसमें हम 1 स्पून लगभग, 1 से थोड़ा कम स्पून लगभग नमक डाल देते हैं और ये हम नींबू का रस डालते हैं। ये इसमें हम लगभग 3-4 स्पून नींबू का रस डालते हैं, क्योंकि ये नींबू की ही मिर्च है तो इतना नींबू का रस हमें चाहिए होता है। फिर इसे हम मिक्स करते हैं और एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे फ्रीज में ले जाके रख देते हैं। 5-6 दिन तक ख़राब नहीं होती। और जब भी आपका मन करे इसे बंद कीजिए, इसे हिलाइए इस तरीके से और सर्व कीजिए। ये हमारी नींबू की मिर्च दूसरी टाइप की तैयार है। अब हम लास्ट अचार, अपना तीसरा अचार बना के तैयार करते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले एक एक करके मिर्च लेते हैं और इसके दो पार्ट कर लेते हैं पहले, मतलब दो पार्ट कैसे बीच में से चीरते हुए दो पार्ट करते हैं।
बल्कि इसके हमें चार पार्ट करने होते हैं, चार ऐसे लंबी लंबी जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर बीच में से कट करते हो इसके, मतलब आठ पार्ट हमने एक मिर्च के कर लिए हैं। छोटी मिर्च हो तो चार, नहीं तो बड़ी मिर्च है तो आठ पार्ट इसके कर लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सारी मिर्च को हम इसी तरीके से काट लेते हैं। ये बहुत ही स्पेशल मिर्च है और ये वाली मिर्च आपकी 15 दिन तक खराब नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात कि 15 दिन तक आप इस मिर्च के अचार को यूज में ले सकती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक बनाना है तो इसे बनाइए। इसमें अब हम डालते हैं नमक। ये अभी हम एक बाउल में बना रहे हैं, बाद में हम बर्नी में भरेंगे। तो एक स्पून लगभग नमक हमने इसमें डाल दिया। फिर इसमें हम डालते हैं सॉफ्ट पाउडर। सॉफ्ट पाउडर सबसे मेन इंग्रेडिएंट रहता ही है, तो हमने इसमें लगभग पौने दो स्पून ही सॉफ्ट पाउडर डाल दिया है। एक स्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं इसमें, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, इससे हमारा कलर वगैरह बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, जैसे कि इन वाली मिर्चों में थोड़ी कम मिर्च होती है तो लाल मिर्च से और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो हाफ स्पून लगभग इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, इससे कलर वगैरह भी अच्छा आता है। इसमें हम अमचूर पाउडर भी डालते हैं, एक स्पून अमचूर पाउडर डाल दिया। और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं मिर्च में। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है विनेगर, वो डालते हैं। विनेगर से ये मिर्च बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होती, तो 15 दिन तक ये मिर्च आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ज़्यादा विनेगर नहीं डालना होता आपको, बस 2 स्पून आप विनेगर इसमें डालिए, बल्कि 1.5 से 2 स्पून बस, और इन्हें मिक्स कर लीजिए। और हमारी ये जो तीसरी टाइप की मिर्च का अचार है वो भी बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। अच्छी तरीके से सारे मसाले मिक्स कर लीजिए, ये देखिए मिर्च में भी अच्छे से चिपक गए हैं। अब हम एक बर्नी में इन मसालों को भर देते हैं, मिर्चों को अच्छी तरीके से भर देते हैं, और इन्हें भी फ्रिज में ले जाके रख दीजिए। आपका 15 दिन तक ये वाला मिर्च का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जैसे कि हमने दोनों मिर्चों में किया था, जब भी यूज़ करना हो इस बर्नी को आप हिलाइए और फिर यूज़ कीजिए, ताकि सारे मसाले हमारे ऊपर नीचे जो भी बैठ गए हैं वो सर्ट हो जाए, और फिर इसे सर्व कीजिए। हमारा ये वाला अचार भी बिल्कुल बनके तैयार है। तो ये हमारी हो गई नींबू की मसालेदार मिर्च, ये हमारी सिंपल नींबू की मिर्च हो गई। इन दोनों को आप 5-6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 4-5 दिन तक। और ये हो गई हमारी मसालेदार विनेगर मिर्च, जिसे आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। हमारी मिर्च तैयार है। फ्रेंड्स, बिना तेल का मिर्च का अचार कैसा लगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, जाते जाते चैनल को करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को करें प्रेस। धन्यवाद।